और शाम को उन्होंने मुझे गाना फ़ोन पे लिखवाया कि लिखो पहली लाइन चोली के पीछे क्या है। मेरा तो पैनी गिर गया। डाइनिंग टेबल पर ही तबला बजाना शुरू किया और मैंने गाना शुरू किया था रा रा री रा रा रा। तो मेरे वाला अच्छा माधुरी तुम एक काम करो ना इसके ऊपर जरा कुक कुक कु साउंड डालो। तो उसने कुक कुक को गाना शुरू किया, हम दोनों ने गाना शुरू किया। अच्छा। 30 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई थी जिसके बाद हर नायक खलनायक बनने की फिराक में थे। एंड दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पाथ ब्रेकिंग सिनेमा वी ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वन मैन सिटिंग राइट हियर एंड दैट इज मिस्टर सुभाष घई। आई ग्रो अप ऑन योर फिल्म्स एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर सर मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आज उतनी ही खुशी है जितने आपको है। थैंक यू। क्योंकि आपके माध्यम से हम कितने लिसनर से बात कर सकते हैं। जी हाँ। अपने राज बता सकते हैं। जी हाँ। वो बातें जो नहीं बतानी चाहिए शायद वो भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे खुशी है कि आज खलनायक को 30 साल हुए। जी हाँ सर। और 30 साल एक अरसा होता है। जब भी एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो शुरू में यही सोचता है कि हे भगवान मेरी पिक्चर कम से कम 25 हफ्ते तो चला ही देना। जी हाँ। और नहीं तो कुछ अगर अच्छी बात हो तो 30 हफ्ते चला देना। बिल्कुल। पर अगर ईश्वर आपकी फिल्म 30 साल चलाए तो इससे बड़ा एक ऋणी मैं क्या हो सकता हूँ। आई एम इंडेटेड टू माई ऑडियंस माई पीपल एंड माई होल टीम ऑफ खलनायक हु वर्क विद मी एक्टर्स राइटर्स म्यूजिक कंपोजर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर सेलिब्रेटिंग दिस 30th ईयर ऑफ। फॉर टुडे आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ खलनायक जिसकी वजह से आज भी ये फिल्म जो है इतना जिंदा है एंड दैट इज द सॉन्ग कॉल्ड चोली के पीछे। माई गॉड ये गाना नहीं फिनोमिनन था। हमने ऐसा गाना कभी देखा नहीं था, ऐसे बोल कभी सुने नहीं थे, ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं था, लेकिन ये गाने के पीछे की कहानी आज आप मुझे बताएंगे प्लीज़। चोली के पीछे जो गाना है फिल्म खलनायक का, ये उसका एक भाग है। फिल्म 3 घंटे की है लेकिन 8 मिनट। जी हाँ। 7 मिनट। और मैं बहुत हैरान हूँ कि आप 3 घंटे की फिल्म में से सिर्फ 7 मिनट चुने कि सुभाष जी ये बताइए कि चोली के पीछे के पीछे क्या है। पीछे क्या है। बिल्कुल। खलनायक एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कि क्राइम थ्रिलर पिक्चर है कि वो एक क्रिमिनल है, एक पुलिस ऑफिसर है, उस पुलिस ऑफिसर की माशुका को वो उठा लेता है और फिर उससे उसका प्यार हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इसमें लव स्टोरी नहीं थी। जी हाँ। लेकिन फिर भी एक क्राइम थ्रिलर के अंदर एक म्यूजिक को ले आना, ये काम सिर्फ लक्ष्मीकांत परेलाल ही कर सकते थे। मैंने उनको कहानी सुनाई, दोनों को कहानी बहुत अच्छी लगी, बख्शी जी को सुनाई उनको भी अच्छी लगी। लेकिन जब ये मुकाम आया इस गाने का चोली के पीछे का, तो मुझे याद है कि ये गाना अपने आप में एक जन्म लेता चला गया, एक ऑर्गेनिकली ये बढ़ता चला गया। हमें एक ऐसी आइटम चाहिए थी कि जिसमें राजस्थानी फोक म्यूज़िक चाहिए था, फोक गाना चाहिए था जिसमें कि हम ये महसूस करवाएं ऑडियंस को। और हमारे जो कैरेक्टर हैं बुल्लू बलराम, वो इतना बड़ा विलन है कि वो दूसरे को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जी हाँ। तो अगर माधुरी दीक्षित डांस कर रही हैं उसमें तो उसको ये लगना चाहिए कि जो आइटम कर रही है ये बहुत छोटे धर्रे की जी हाँ जो है जी हाँ सिंगर है, डांसर है, और इसको तो मैं आराम से पटा सकता हूँ। जी हाँ। और उसको उठा के ले जाता है वो। तो ये सिचुएशन ही इट्सेल्फ needed a song like this। बिल्कुल। ये तो normally मैं ऐसे गाने बनाता नहीं हूँ, आपको मैं सभी फिल्में देखी होंगी। जी और मुझे इस गाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि ये गाना सिचुएशनल था। मुझे याद है कि मैं खलनायक की लोकेशन के लिए मैं आबू माउंट आबू की रोड में जा रहा था। अब मैं गाड़ी में था, मैं अकेला ही था, तो मैंने अपने ड्राइवर को रोका। तो मैंने उससे कहा कि जरा वहाँ सामने से कोको कोला ले आना और एक पान ले आना मेरे लिए, तो फिर आगे चलेंगे। तो वहाँ से उतरा, पान की दुकान में गया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरी खिड़की, गाड़ी की खिड़की के पास एक 10 साल का बच्चा, वो जो राजस्थानी छोटी सारंगी होती है वो बजा रहा था। और वो इस तरह से बजा रहा था, तारा रा री रा 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 तारा रा री रा। तो मुझे वो धुन बहुत अच्छी लगी। जब वो बजा रहा था तो मैंने अपनी जेब से निकाले 10 रुपये, 10 रुपये उसको दे दिए। मेरा ड्राइवर एंटर किया गाड़ी में, उसने मुझे कोला दिया और कहा सर अगर आपको छुट्टा चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, मेरे पास 1 रुपया है,
10 रुपये क्यों दे रहे हैं उसको? मैंने बोला आगे चलो फिर मैं बताता हूँ। तो बेचारा परेशान हो गया, आगे जाके मुझे फिर पूछने लगा, सर आपने उसको 10 रुपये क्यों दिए? मैंने उनसे कहा ड्राइवर से कि तू फिक्र मत करो, ये एक ऐसी चीज़ मुझे दी है भगवान ने किसी बालक के थ्रू जिसके ऊपर मैं लाखों रुपया कमा सकता हूँ, मुझे अभी तक याद है। और मैंने मजाक में कहा उसको जी हाँ। और फिर मैं बॉम्बे आकर लक्ष्मी जी के पास गया और लक्ष्मी जी को मैंने कहा कि एक फोक कॉमन फोक ट्यून है ये, देखिए कैसे लगती है आपको। मैंने सुनाया तो उन्होंने बाजे पे बजाया, उन्हें अच्छी लगी, बोले नहीं अच्छी है, इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। उसके जब बन रहा था मेकिंग के दौरान में तो मैं माधुरी के घर में लंच करने के लिए गया था, तो उनकी मम्मी थी वो माधुरी थी सब लोग थे। तो लंच करते करते मैंने उसको बताया बोले क्या हो रहा है, मैंने बोला हम लोग ऐसे ट्यून बना रहे हैं, मैंने ऐसे एक ट्यून ली और उसके ऊपर गाना बनाएंगे तुम्हारे फोक सॉन्ग का, एक डांसिंग आइटम आएगी तुम्हारी। तो मैंने ऐसे ही उसी डाइनिंग टेबल पर ही तबला बजाना शुरू किया और मैंने गाना शुरू किया था रा रा री रा रा रा। तो मैंने बोला अच्छा माधुरी तुम एक काम करो, मैं इसके ऊपर जरा कुक कुक कु साउंड डालो। तो उसने कुक कुक को गाना शुरू किया, हम दोनों ने गाना शुरू किया। सर करते हैं ना, मैं माधुरी नहीं हूँ लेकिन आई कैन डू दिस, लेट्स रिक्रिएट दैट मोमेंट राइट नाउ, कम ऑन। तो जैसे मैंने उसे कहा तारा रा री रा रा तारा रा री रा रा तारा रा री रा रा तारा रा डिंग क टक टक तारा रा डिंग डंग डंग। ओह माय गॉड। बस ये जाके फिर मैंने बताया कि मैं माधुरी के यहाँ से आ रहा हूँ, लक्ष्मी जी को बताया कि ये थोड़ी साउंड ऐड करेंगे। तो बोले इसका मतलब क्या है? मैंने बोला देखिए हमारे गांव में गांवों में पवन चक्की चलती है, कुक 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 कुक। तो मैं बचपन से मेरे को हमेशा हॉन्ट करती है, उसमें एक अपनी रिदम है, एक अपनी चक्की है उसमें। तो बोलते हैं हाँ इसको ट्राई करते हैं। फिर प्यारे जी को समझा, प्यारे जी ने तो फिर उस गाने को जो संवारा है इससे इन इन आई थिंक इनकम्पेरिजिबल। फिर जो उन्होंने बनाया और फिर हमने कहा कि चलो अभी इला जी को बुलाते हैं, इसमें इला जी गाएंगी आंटी की तरह गाएंगी और लड़की गाएगी जवाब देगी, जवाब सवाल का बख्शी जी ने उसमें गीत बनाया। और ऐसे ही गाने होते हैं आज भी, क्योंकि शादियों में वगैरह जाते हैं, शादियों में होती है ना आंटीज लोग गाते हैं, सवाल पूछती हैं लड़कियां जवाब देती हैं, लड़कियां सवाल पूछती हैं फिर आंटी जवाब देती हैं। तो एक किस्म की आइटम थी वो। जी हाँ बिल्कुल। तो जब गाना बना और गाना बनने के बाद मैंने सरोज जी को सुनाया, सरोज जी बहुत खुश हुए कि गाना हम बहुत अच्छा करेंगे। मैंने देखो लेकिन इस गाने में एक बात ध्यान रखना है हमको, ये गाने को हम बहुत आर्टिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गाना नीचे के धर्रे का है ना। जी हाँ। तो नीचे के धर्रे के लिए अगर आप उसको एस्थेटिकली प्रेजेंट करते हैं, उसको आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं, उसको एक इज्जत जो है, है तो उसकी इज्जत रहनी चाहिए, क्योंकि खलनायक नाम है लेकिन खलनायक फिल्म भी जो है मेरा एक अपना स्तर है बनाने का। फिर उसने कंपोज किया गाना, मैं बोला संभल के करना जो भी कंपोज करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ये गाना वल्गर लगे। और मेन बात जो है उसमें गाने में अंदर, आनंद बख्शी को तो फुल क्रेडिट जाता है, लक्ष्मी जी को जाता है, प्यारे जी को जाता है, सरोज को जाता है, उससे भी ज़्यादा कंपटीशन जाता है माधुरी दीक्षित को। तो फिर मैंने उसको कहा कि जब भी तुम ये गाना गाओ कि ये तुम्हारा गाना चेहरे से है, चेहरे से गाना गाना, क्या बात है, डांस से भी ज़्यादा चेहरे से होना चाहिए। और फिर माधुरी ने निभाया, और भाई तो है माधुरी दीक्षित। और आपको मालूम है चेहरे के एक्सप्रेशन देने में सरोज खान का भी कोई मुकाबला नहीं था। बिल्कुल। वो तो से एक झटके में जब गर्दन हिलाती थी या एक्सप्रेशन देती थी या यूं करती थी, उसी के अंदर एक जो बोल थे वो अपने आप में उछाल मारते थे। बिल्कुल। बोलों को समझना और भावनाओं को समझना सरोज से ज्यादा कोई नहीं जानता था। सर बोल से, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन जब ये बोल आप तक पहली बार पहुंचे, क्योंकि ये धुन भी आप तक पहुंची और धुन यू नो आपने पहुंचाई, लेकिन जब ये बोल आप तक पहुंचे तो आपका क्या रिएक्शन था? कि ये लिखने वाले बख्शी साहब यू नो जिन्होंने इतने गाने लिखे, आप ही के साथ इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे, बट वॉज इट डिफरेंट आपके लिए जब ये बोल आप तक पहुंचे? लिरिक्स राइटर का एक म्यूजिकल कंपोजिशन में या फिल्म की म्यूजिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं कोई भी गाना सुनता हूँ पहले मैं बख्शी जी को याद करता हूँ, आज भी। बिल्कुल। मैं लिरिक्स राइटर की बहुत कदर करता हूँ, उनको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, पूरी सिचुएशन सुनाता हूँ। आप देखिए कि खलनायक जैसी फिल्म में बख्शी साहब ने एक गाना और भी लिखा है जो लोग भूल गए, और वो गाना मेरा फेवरेट आज भी है, पहले भी था, जगजीत सिंह साहब का। वो गाना था जगजीत सिंह का, जहाँ बख्शी जी ने लिखा गाना, ओ माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे प्यारे तुझको,
रावण हो या राम, बिल्कुल ये राखी जी के ऊपर किया था मैंने, बिल्कुल वो कहानी थी पिक्चर की। अब वो गाना लिखने वाला जो लिरिक्स राइटर है वो गाना चोली के पीछे भी लिखता है, बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें ये गाने में क्या चाहिए, मैं मेरे साहब मुझे ये चाहिए जो कि गाँव में शादियों में आंटीज और ये लोग जो नाच करने वाले आते हैं वो एक स्वांग करते हैं जी, तो स्वांग टाइप जो होना है उस स्वांग में कुछ नीचे ऊपर भी होता है, हाँ, सवाल होता है, श्रृंगार रस की बातें करते हैं, उसकी बात करते हैं, खटिया की बात करते हैं, बतिया की बात करते हैं, है ना, और हमारे ही कल्चर का, हमारे ही कल्चर का है वो, बिल्कुल डीप रूटेड कल्चर से लेकर आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा मैं गाना बनाता हूँ, और शाम को उन्होंने मुझे गाना फोन पे लिखवाया कि लिखो पहली लाइन चोली के पीछे क्या है। मेरा तो पेन ही गिर गया। मैंने कहा बख्शी जी आपने कभी देखा है कि सुभाष घई ने ऐसा कुछ गाना पिक्चराइज किया हो? बोले बच्चे तू बोले देख तो ले, लिख तो ले पूरा। मैं बोला नहीं मैं नहीं लिखूंगा, ये तो पहली लाइन ही बड़ी गड़बड़ है, चोली के पीछे क्या है। बोले तुमने तो कहा कि उस धर्रे का गाना चाहिए, अभी पूरा सुनो। चोली के पीछे क्या है, चोली की चुनरी के पीछे क्या है, ये दिल में दूंगी अपने यार को प्यार, चोली में दिल है मेरा। जी हाँ। तुम गलत समझ रहे हो, कसूर तुम्हारा है मेरा नहीं है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि मेरा दिल है इसके अंदर। जी हाँ। तुमने कुछ और समझा कि आगे तो सुनिए, आगे की लाइनें तो सुनिए। उन्होंने हाँ। मुखड़ा दिया तब मुझे कहा हाँ नहीं ये ठीक है। और मजे की बात यह कि जब नीना जी को भी मैंने एक दिन पहले ही कास्ट किया था, दो दिन पहले, तो उनको पता नहीं था कि क्या करने वाले हैं, तो मैंने उनको खड़ा कर दिया, डांस हो रहा है आप आ जाइए। बोले यार मेरे को डांस तो आता नहीं, मैं तो एक्टर हूँ यार, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं बोला ठीक है आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो क्लाइमैक्स में जो गाने का जो एंड था वो कोरस था, ऐसे आप कोरस में खड़े हो जाइए और डांस कीजिए। तब मैंने यार सरोज ने देखा कि ये वो डांस नहीं कर पाएंगे जो माधुरी कर पाती है, उस मुकाबले में नहीं होगा। तो फिर हमने डिसाइड किया, मैंने सरोज जी को कहा कि काम करते हैं सरोज, ये चोली के पीछे क्या है इसमें नीना जी ना मुद्रा नहीं करेंगी, इसमें भाव से दिखेंगे। तो सिर्फ क्लोजअप लूंगा मैं जी हाँ। और सिर्फ क्लोजअप होगा और पूरा डांस जो है माधुरी, वो माधुरी करेगी जी। बोले फिर हमारा तय हुआ, फिर हम क्लोज लिए चोली के पीछे क्या है, चोली में दिल है मेरा, फिर इसे डांस किया और हमने वो पिक्चराइज किया गाना। और कैमरामैन को मैंने बोला कि इसमें कोई शेडो लाइट नहीं डालना, ये सब ब्राइट लाइट में ट्यूब लाइट में गाना होना चाहिए, और फिर जब आएगा शेडो मैं आपको बताऊंगा दूसरे अंतरे के बाद तीसरे अंतरे के बाद कैसे। तो अशोक मेहता का भी कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर। अब मैं गाने को याद करूं तो कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, 100% हमेशा टीम वर्क काम करती है, लेकिन विजन जो है वो डायरेक्टर का होता है, वो आहिस्ता 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 उसको लीड करते करते, लेकिन जब तक टीम ना आपका साथ दे वो गाना वैसा बन नहीं सकता। अब वो गाना पिक्चर का अगर आप देखें तो गाना पिक्चर का नहीं है, मतलब कहानी नहीं है वो, बिल्कुल बिल्कुल कहानी है माँ तुझे सलाम, कहानी है मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, वो कहानी है, बिल्कुल खलनायक की कहानी है, बिल्कुल। लेकिन जब वो रिलीज हुआ तो पहले हफ्ते 1 करोड़ कैसेट, फर्स्ट वीक, ये कभी सुना ही नहीं था, हिस्ट्री में नहीं हुआ था म्यूजिक इंडस्ट्री में कि 1 करोड़ कैसेट 1 वीक में बिक गया। और हम बड़े उदास भी हुए, खुश भी हुए, उदास लिए हुए कि माँ तुझे सलाम जगजीत का गाना पीछे रह गया, वो सुना ही नहीं किसी ने, बिल्कुल इमेजिन। दूसरा गाना सुना तो नायक नहीं खल नायक हूँ मैं, बिल्कुल। दो गानों के बाद लोग कैसेट ही नहीं सुनते थे आगे, तो दो गाने के बाद फिर रिपीट करते थे। मैं कहीं भी फंक्शन में जाता था तो वो गाना वही चलते थे, पहले दो गाने। मैंने बोला भैया बाकी के 4 गाने और है, पालकी में बाहर पालकी भी होके सवार चली, वो है देर से आना जल्दी जाना, ओहो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और वो 6 महीने बाद सुना लोगों ने, अच्छा वो तो है बिल्कुल, अब सुन लिया चल अभी बाकी के भी सुनते हैं। तो इट वाज लाइक ए फीवर व्हिच आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग। तो क्या होता है कि हम अपने प्रोसेस में काम करते रहते हैं, चीज़ें कभी हिट हो जाती हैं कभी नहीं चलती, कई बार जैसे हमने सोचा कि जगजीत का गाना बहुत पॉपुलर होगा वो नहीं हुआ, बिल्कुल ये भी होता है कभी। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस सॉन्ग हैज़ बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग। एंड फिर इस गाने को भले कुछ लोगों ने कहा हो कि वल्गर था ये था, लेकिन जिस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के जो क्रिटिक थे इकबाल मसूद, उन्होंने जब लिखा कि दिस सॉन्ग इज ए क्लासिक पीस ऑफ इंडियन सिनेमा, बिल्कुल, तो मेरा दिल में थोड़ा सांस आया कि ठीक है हमने जो मेहनत की उसका एक हमको सर्टिफिकेट मिल गया है कि हमने किया। और आज मुझे खुशी है कि हर
डांसिंग स्कूल में भी वो गाना बिल्कुल उनके कोर्सेज में है बल्कि बिल्कुल कोई डांसिंग स्कूल नहीं कि जिसमें कि बच्चों को ही इसके स्टेप्स नहीं सिखाते हैं कि इसमें कितने कितनी शैली है इसमें डांस के अंदर कितनी भाव है कितनी मुद्राएं हैं कितनी वेरिएशन है इस गाने के अंदर जी हाँ तो आई एम सो हैप्पी टुडे इट्स आल्सो फीमेल डिजायर व्हेन शी सेज शादी करा दो मेरी शादी करा दो या फिर यू नो बेगम बगैर बादशाह किस काम का आई मीन जो बोल लिखे हैं बख्शी साहब ने आई थिंक दैट इट इज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस देयर आर लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने आगे चलकर गानों को एक स्केल यू नो दिया लेकिन द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ टॉप शॉट यू नो वाज इन चोली के पीछे टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट हमने कभी देखा ही नहीं था ऐसे एंड आई कांट बिलीव दैट आई हैव नेवर नोटिस दिस दैट ऑनेस्टली फॉर अ फिल्म फॉर अ सॉन्ग जो जैसे कि आपने कहा एक सर्टन यू नो तबके का गाना है इट वॉज शॉट इन ब्राइट लाइट आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस बिकॉज वरना ऐसे गाने जो हैं यूजली डिंजी क्लब्स में शूट किए जाते हैं तो इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड द इंटेंट एंड आई थिंक जो इंटेंट आपकी थी सर वॉज वेरी रूटेड एंड इस रूटेडनेस को बाहर कैसे लाते हैं एंड इट वॉज सो रोमांटिक इट वॉज सो रोमांटिक आई थिंक संजय दैट वॉज ऑसम इन द सॉन्ग देयर इज ऑल्सो द अदर साइड ऑफ द सॉन्ग जहाँ पर वो स्कर्ट पहनकर चोली के पीछे करते हैं आई थॉट दैट वॉज सो सबवर्सिव बिकॉज ऐसा हमने कभी देखा नहीं था कि आपने अब रणवीर सिंह स्कर्ट पहन रहे दोस्तों उस जमाने में दिस इज 92 व्हेन यू मस्ट हैव शॉट द फिल्म to convince a leading hero to wear a skirt and to do this song I mean wo bhi hats off to you and to the entire team of Khalnayak really it was amazing see it's always a teamwork and actors cooperation and actor love for the film love for the work sanjay ne bahut mehnat ki madhuri ne bahut mehnat ki sab logo ne bahut mehnat ki Credit goes to everyone belonging to Khalnayak, I would say. Absolutely. Thank you so much for giving us this beautiful story, sir. My pleasure. And I say, of course, we will connect and we will be celebrating 30 years of Khalnayak all through this month on Radio Nasha. मैं कहूँगी थोड़ा सा वक्त निकालिए और फिल्म देखिए इट्स ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यू गॉट टू वॉच इट एंड अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर हमारे साथ आके ये फिल्म देखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू एवरीवन बाय Radio Nasha.